Good morning to everyone. My name is Abhijit Tiwari and this is part 12 of one word substitution. So let's start. So first question is, a disease which attacks many people in a particular area in one time. मतलब वो बीमारी वो एक तरह की डिजीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही बार में बहुत से लोगों के ऊपर अटैक करती है, मतलब कि बहुत से लोगों को बीमार कर देती है, ठीक। तो उस डिजीज को हम लोग क्या कहेंगे। जैसे अभी प्रेजेंट में चल रहा है मैटर जो कोरोना वायरस, कोरोना क्या है हमारा, इसी टाइप की बीमारी जो एक ही समय में बहुत से लोगों के ऊपर इफेक्ट किया है, ठीक। तो पहला हमारा हमारा ऑप्शन क्या है, एकेडमिक। एकेडमिक मीन्स क्या होता है, शैक्षिक। एकेडमिक मीन्स क्या होता है, शैक्षिक। बी ऑप्शन क्या है हमारा, सार्डोनिक। सार्डोनिक मीन्स क्या होता है, तिरस्कारपूर्ण या निंदापूर्ण, ठीक। तिरस्कारपूर्ण, निंदापूर्ण, द्वेषपूर्ण, ठीक। इसमें हमारा क्या हो गया, सार्डोनिक की मीनिंग हो गई। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, सी, एपिडेमिक। ये वर्ड बहुत सुना होगा इस वक्त आप इसे इस वर्ड को हमेशा सुन रहे होंगे, एपिडेमिक, बहुत बड़ी एपिडेमिक है, महामारी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, महामारी। यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। डी हमारा क्या है, फोनिक। फोनिक मींस समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू साउंड और पर्टेनिंग टू साउंड, मतलब कि स्वर से संबंधित कुछ भी चीज हो उसको हम क्या बोलते हैं, फोनिक। तो नेक्स्ट स्लाइड इज थिंग्स व्हिच आर ऑफ द सेम काइंड, वो चीज जो एक जैसे दिखते हैं, ठीक, विद सेम डायमेंशन, और उनका डायमेंशन भी एक जैसा हो। देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, इंडोजीनस, एंड सेकंड इज एक्सोजीनस। याद रखना जब भी इंडो वर्ड आए तो इंडो का मतलब होता है अंदर और एक्सो मींस क्या होता है, बाहर। लेकिन इंडोजीनस और एक्सोजीनस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन एक सिंपल मीनिंग बता रहा हूं। इंडोजीनस मींस क्या होता है, जो कि डिपेंडेंट होते हैं, जो कि डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस। एक्सोजीनस क्या हो जाएगा, इनडिपेंडेंट। एक्सोजीनस क्या हो जाएगा, इनडिपेंडेंट, मतलब जो किसी पर डिपेंड ना करता हो, और एंडोजीनस मींस जो डिपेंड करता हो। सी इज हेट्रोजीनस एंड डी इज होमोजीनस। तो याद रखना जब भी वर्ड हेट्रो आ जाए उसका, वो जहां पर वर्ड हेट्रो लग जाए इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग, बट डिफरेंट। और जहां पर वर्ड होमो लग जाए इसका मतलब होता है सेम। तो हेट्रोजीनस मींस थिंग्स विच आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट डायमेंशन, एंड डी इज होमोजीनस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, homogeneous means the things which are of the same kind and of the same dimension. ठीक? Next question is 33. A speech delivered without any previous preparation. बिना किसी previous preparation के अगर कोई speech deliver की जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। इस example के लिए अगर कोई किसी ceremony में गया है, किसी शादी समारोह या किसी में गया है, उसे अचानक बुला दिया जाए कि सर आप आइए स्टेज पे और इस टॉपिक को बोलना शुरू कर दीजिए, मतलब कि अब उस आदमी मालूम नहीं था कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, मुझे बुलाया जाएगा, ठीक। तो ऐसे समय में हम जो स्पीच डिलीवर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो डायलॉग, डायलॉग मीन्स क्या होता है, बातचीत। डायलॉग मीन्स बातचीत होता है, तो बातचीत किसी भी दो पर्सन के बीच में हो गया, ठीक, इनको हम क्या कहते हैं, डायलॉग। हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है हमारा, बी ऑप्शन हमारा एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है, ठीक। एक्सटेम्पोर मीन्स क्या होता है, कोई भी स्पीच जो कि अनप्रिपेयर्ड हो, मतलब किसे प्रिपेयर ना किया गया हो, डायरेक्ट जाके बोल देना पड़े, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेम्पोर। थर्ड इज इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मीन्स क्या होता है, इलोक्यूशन मीन्स क्या होता है, द स्किल ऑफ क्लियर एंड एक्सप्रेसिव स्पीच। क्लियर और बिल्कुल एक्सप्रेसिव स्पीच की जो स्किल होती है ना देने की, उसे हम क्या बोलते हैं, इलोक्यूशन, ठीक। इलोक्यूशन, इलोक्यूशन का मतलब होता है स्पीच, प्रोनाउंसिएशन भी होता है, ठीक, क्लियर एंड एक्सप्रेसिव स्पीच। डी हमारा डायलेक्ट। डायलेक्ट मींस क्या होता है, बोली, भाषा, इसको क्या बोलते हैं, डायलेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो बुक्स के बहुत ज्यादा प्रेमी होते हैं, मतलब उन्हें दिन भर बुक ही चाहिए, जब भी बैठे होंगे तो उनके हाथ में बुक दिखेगा, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। देखो बायोग्राफी मींस क्या होता है, जीवनी। बायोग्राफी मींस जीवनी होता है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मींस क्या होता है, देखो अगर बात करें बिब्लियोग्राफी की, तो अगर आप रेफरेंस जानते होंगे, रेफरेंस मींस क्या होता है कि अगर आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी जो बुक्स होते हैं या रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनके लास्ट में अगर आप जाएंगे, एंड में,
तो एक आपको रेफरेंस दिखेगा, रेफरेंस लिखा होता है। रेफरेंस में क्या होता है कि उस बेस में, उस बुक में या उस रिसर्च पेपर में जो भी डाटा यूज किया गया है या जो जो भी चीजें लिखी गई हैं वो जहाँ कहाँ से पढ़ी गई हैं या कहाँ से उठाई गई हैं, तो उस वो सारा सारा डिटेल वहाँ पे लिखा होता है कि हाँ ये डाटा यहाँ से उठाया गया है, ये चीज इस जगह से पढ़ी गई है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस। वही चीज होता है हमारा बिब्लियोग्राफी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक, बाकी काम दोनों सेम होता है। सी ऑप्शन इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मीन्स लवर ऑफ बुक्स, मतलब जो बुक को बहुत प्रेम करता हो, हमेशा बुक पढ़ने का प्रेम ही हो। तो याद रखना जहां पर वर्ड में फाइल लास्ट में आ जाए, PHILE या PHIL, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, लवर, किसी भी चीज का लवर। ठीक, बिब्लिकल, बिब्लिकल मीन्स क्या होता है, बाइबल से संबंधित, मीन्स रिलेटेड टू बाइबल, रिलेटेड टू बाइबल। बाइबल क्या है, ग्रंथ है, नॉवेल है क्रिश्चियंस का। तो अदर क्वेश्चन इज वन हु जर्नी टू अ हॉली प्लेसेस, वो आदमी जो कि एक पवित्र स्थान पे या कहो धार्मिक प्लेसेस की जर्नी करता है, मतलब यात्रा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पिलग्रिम। पिलग्रिम मीन्स क्या होता है, जो धार्मिक स्थानों की यात्रा करता हो उसे क्या बोलते हैं, पिलग्रिम। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, बिलग्रिम। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, बिग्रिम। ठीक, तो बिग्रिम का मतलब क्या होता है, देखो जो बिग्रिम होता है, बिग्रिम का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से समझो कि इसकी मीनिंग जो मैं बात बताता हूँ। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, मेग्रिम। मेग्रिम क्या होता है कि, मेग्रिम मतलब क्या होता है, एक प्रकार की मछली का नाम है, मतलब कि एक मछली होती है उसका एक नाम है। ठीक, तो मेग्रिम मीन्स क्या हो गया, इट इज द नेम ऑफ फेस। लास्ट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ग्रिम। ग्रिम मीन्स क्या होता है, विकट, भयंकर, निर्दय, क्रूर या कठोर, निष्ठुर। ठीक, ये होता है ग्रिम। तो जो बी है बिग्रिम, इसका अभी दिमाग मेरे आ नहीं रहा इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा एक बार गूगल पे। ठीक, सो आज की वीडियो बस यहीं तक, अगली वीडियो आप आने वाली है जल्दी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो आगे आती रहेंगी। धन्यवाद।